टिकट कटने से आहत संगमित्रा, सीएम योगी के आगमन से पहले छलके आंसू, मंच पर रोती नजर आई संगमित्रा मौर्य। बदायूं से सांसद संगमित्रा मौर्य मंच पर रोती नजर आईं। अपना टिकट कटने से आहत संगमित्रा इस दर्द को संभाल नहीं पाई और मंच पर ही उनके आंसू छलक गए। बदायूं लोकसभा चुनाव को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे और उस वक्त मौजूदा सांसद संगमित्रा मौर्य काफी सुर्खियां भी बटोर रही थी, मगर इस बीच बीजेपी ने बदायूं से संगमित्रा का टिकट काट कर उन्हें एक बड़ा झटका दिया, जिसका असर अब आंसुओं के रूप में दिखने लगा है। बीजेपी ने यूपी में चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। खुद पीएम मोदी रविवार को मेरठ पहुंचे थे, जहां मंच पर सीएम योगी समेत जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद समेत पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे। तब से ही सीएम योगी अलग अलग जनपदों में चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। अप्रबुद्ध जन सम्मेलन के लिए सीएम योगी बदायूं पहुंचे थे, यहां उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी किया। उधर सीएम के आगमन से पहले ही मंच पर संगमित्रा मौर्य अपने आंसू पोंछती नजर आईं। मंच पर सबसे किनारे बैठी थी संगमित्रा मौर्य, उनके बगल वाली कुर्सी पर थी माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी। यहाँ संगमित्रा पूरे समय रोते हुए और अपने आंसुओं को संभालती हुई दिखी। हालांकि सीएम योगी के मंच पर आगमन के समय तक संगमित्रा ठीक ठाक दिख रही थी और हाथ जोड़कर उन्होंने सीएम योगी का अभिनंदन भी किया। मंच पर संगमित्रा की कुर्सी भी लगभग सबसे किनारे लगी थी, जो ये बताने के लिए काफी था कि पार्टी अब उनसे किनारा कर चुकी है। बता दें कि बीजेपी ने इस बार संगमित्रा का टिकट काटकर दुर्विजय शाक्य पर भरोसा जताया है, जो सीएम योगी के बिल्कुल बगल वाली कुर्सी पर बैठे थे और संगमित्रा उनसे बात करती हुई भी नजर आई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संगमित्रा मौर्य इस वक्त बदायूं से सांसद हैं, मगर बीजेपी जब अपनी पहली सूची जारी कर रही थी तो उसकी 51 सीटों में बदायूं का नाम नहीं था। तभी अंदाजा लगाया जा रहा था कि पार्टी अपने सीटिंग सांसद का टिकट काट सकती है। उधर पिछले दिनों संगमित्रा मौर्य की मुलाकात पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं से हुई थी, तब वो अपने टिकट को लेकर काफी हद तक आश्वस्त दिखी थी, लेकिन सामने शिवपाल सिंह यादव के आ जाने से पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए दुर्विजय सिंह शाक्य को चुनावी मैदान में उतार दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी से अलग होने के बाद से ही संगमित्रा शीर्ष नेतृत्व के रडार पर आ गई थी। खास तौर से रामचरितमानस और हिंदू देवी देवताओं पर दिए गए बयान पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। हालांकि संगमित्रा लगातार खुद को भाजपा का ही कार्यकर्ता और सिपाही बताती रहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी बेटी संगमित्रा को बीजेपी का टिकट दिलाया था और मोदी लहर में वो जीत भी गई थी, मगर 2021 में स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी से अलग होकर सपा में चले गए। हालांकि अब सपा से भी वो इस्तीफा देकर अपनी खुद की पार्टी बना चुके हैं, मगर पिता स्वामी प्रसाद के जाने के बाद से ही लगातार संगमित्रा पर दबाव था कि वो पिता के साथ जाएंगी या पार्टी को चुनेंगी। उसके बाद से लगातार स्वामी प्रसाद की सनातन पर बयानबाजी भी संगमित्रा का टिकट कटने का कारण बनी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।